अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज़। अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना हो या कहीं कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। शॉर्टकट कीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। यहाँ मैं टेक्स्ट लिखती हूँ, सही। अब इसको मैं कर्सर से ऐसे सेलेक्ट करूँ तो ये टाइम लेगा। अगर मैं सिंपल कंट्रोल प्लस ए करती हूँ तो क्या हो जाएगा? मेरा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, सही। और अगर कोई टैक्स आपने बोल्ड करना है, ठीक है, जैसे ये जो है ना कंट्रोल प्लस ए को मैं बोल्ड करना चाह रही हूँ, तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करूँगी तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। सिंपल आप इसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस ए मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, अब मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है वो इटैलिक में चाहिए तो कंट्रोल प्लस आई करूँगी तो पूरा डॉक्यूमेंट जो है जितना भी टेक्स्ट है वो क्या हो गया? इटैलिक में हो गया। कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। अगर टेक्स्ट को आपने सेंटर में करना है, जैसे ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, अब मुझे इसको सेंटर में करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अगेन कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हट जाएगा। अब क्या करना है? हाँ, सेंटर के लिए जो की यूज होती है वो है कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, सेंटर के लिए। और गो टू अ स्पेसिफिक पेज, किसी स्पेसिफिक पेज पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ दूसरे पेज पे आती हूँ और एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 यूज़ होती है। अब मुझे किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है तो कंट्रोल प्लस जी प्रेस करोगे, आपके पास देखें ये डायलॉग बॉक्स हो गया, आ गया ओपन, एंटर पेज नंबर, पेज नंबर एंटर करो। पेज नंबर मैंने 3 एंटर किया और गो टू पर क्लिक किया तो पेज नंबर 3 पे हम आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाती ऑप्शंस में और यहाँ फाइंड वगैरह में जाती तो बहुत टाइम लगता, तो जो शॉर्टकट की है वो क्या है? दोबारा करते हैं, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी करेंगे हम तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पेज नंबर 1 पे जाना है आपने, पेज लिखा, गो टू किया तो ये देखिए पेज नंबर 1 पे हम आ गए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पेज पे जाने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल प्लस जी। गो टू स्पेसिफिक पेज, कंट्रोल प्लस जी। उसके बाद है अगर हमें रिप्लेस करना है कोई टेक्स्ट, ठीक है, तो उसके लिए जो कंट्रोल की है शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एच, ठीक है।
कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, रिप्लेस वाले बॉक्स पे। फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करने? मैंने कहा कंट्रोल फाइंड करने, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर देना है कैपिटल कंट्रोल के साथ, सही। और रिप्लेस ऑल करूँगी, मैंने कहा ऑल डन, वी मेट सिक्स रिप्लेसमेंट, अब क्लोज कर दिया मैंने। अब देखें जहाँ जहाँ मैंने कंट्रोल स्मॉल में लिखा था वहाँ वहाँ क्या हो गया, वो कैपिटल हो गया, ठीक है। तो रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस वर्ड्स इज इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस एच। अगेन करेंगे कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, सही। अब मैंने क्या कहा कि जो CTRL है उसको रिप्लेस कर दो स्मॉल वर्डों के साथ, रिप्लेस ऑल, तो ये हो गया रिप्लेस। ये देखिए ये अगेन क्या हो गया हमारे पास, रिप्लेस हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कोई एक्शन रिपीट कराना हो, जैसे अभी मैंने ये रैंडम टेक्स्ट लिखा और अब मैं F4 को प्रेस करूंगी ना तो जो मैंने पहले एक्शन लिया था ना वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इधर बैक स्पेस देती हूँ ना, अब उसके बाद मैं F4 प्रेस करती हूँ तो देखें F4 के बाद क्या हो रहा है, वही एक्शन रिपीट हो रहा है, मतलब बैक स्पेस होता जा रहा है, ठीक है। एक्शन को रिपीट कराने के लिए रिपीट एक्शन कौन सी की यूज होती है, F4 फंक्शन की है। और टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए जो की यूज होती है वो है कंट्रोल प्लस जे। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब इसको जस्टिफाई करना है, कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो ये देखें इसमें जस्टिफाई आपको होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है हमारे पास, कंट्रोल प्लस जैसे टेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, जस्टिफाई हो रहा है, सही। तो हम कहाँ थे, ये रहा जस्टिफाई टेक्स, कंट्रोल प्लस जे जे। और उसके बाद है ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस के यूज होती है, सही। करंट फोल्डर है जैसे कंटेंट, और इसको ओके किया मैंने तो ये देखिए मेरे पास इंसर्ट हो गया। अब मैं जाती इंसर्ट पे फिर हाइपरलिंक पे क्लिक करती तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो हाइपरलिंक को इंसर्ट कराने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस की, इंसर्ट हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के, सॉरी। अगर टेक्स्ट को आपने लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर लेफ्ट अलाइन करना है कंट्रोल प्लस एल करोगे तो वो लेफ्ट पे हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर करोगे तो वो राइट पे हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एल जो है वो लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर जो है वो राइट के लिए। और कंट्रोल प्लस एम जो है वो क्या करेगा, पैराग्राफ को लेफ्ट से शुरू करेगा, कंट्रोल प्लस एम, सही। कंट्रोल एम देखिए लेफ्ट की तरफ जाते जा रहा है, इंडेंट होता जा रहा है, लेफ्ट से क्या हो रहा है स्पेस जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और
अगर आपको फॉर्मेटिंग कहीं से रिमूव करनी है, जैसे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं फॉर्मेट पेंटर पे आके और यहाँ के इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाए फॉर्मेटिंग, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे, वो क्या होगी, फॉर्मेटिंग रिमूव होगी। ठीक है, कंट्रोल क्यू से क्या हो जाएगी, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। और कंट्रोल एस जो है, ये आप लोग नोट करते जाएं साथ साथ, मैं पूछूंगी, कंट्रोल एस जो है वो सेव करने के लिए है और कंट्रोल एक्स जो है वो कट का है, फिर कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी कोई आप सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी करोगे कॉपी हो जाएगा और नीचे कंट्रोल वी करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल जी जो है वो एक्शन जो पहले आपने काम किया है, अंडू प्रीवियस वर्क, तो कंट्रोल जी करोगे पहले वाला काम आपके पास आ जाएगा, और कंट्रोल वाई करोगे तो वो रीडू हो जाएगा। ठीक है, एक्शन को बैकवर्ड जाने के लिए कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई से वो दोबारा वापस आ जाता है, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मुझसे पूछ रहा है आपने सेव करना है, मैंने यहाँ से सेव किया इसको, अब ये क्या कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, अब वर्ड डॉक्यूमेंट आपका क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, अब कंट्रोल ओ करूंगी तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल एन करेंगे ओपन पे आ रहा, कोई आपको ओपन करना है ये ओपन कर दिया मैंने, अब कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कंट्रोल पी करोगे तो प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल पी से प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। और कंट्रोल ए टू जी मैंने सारे बताए हैं, अच्छा नोट करते जाइएगा। मैंने लिखा यहाँ शॉर्ट कट की, ठीक है शॉर्टकट की लिखा, अब मुझे फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करनी है, तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं कंट्रोल प्लस डी करूँगी, तो ये देखिए मेरे पास फॉन्ट की फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ से आप अपने फॉन्ट का साइज स्टाइल, ठीक है स्ट्राइक थ्रू करना है डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, ठीक है, और फॉन्ट अंडरलाइन स्टाइल कौन सा है, इटैलिक है, 18 है, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। अब जो मैं लिखूँगी ना वो देखें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी ओपन करती तो अब जो मैं यहाँ चेंजिंग करूँगी वो उस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। ये हो गया, मैंने इसको यहाँ से ओके किया, अभी देखें जो जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो हो गई। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप लोग नोट करते जाएं, कंट्रोल ए से हम क्या करते हैं, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी से फॉन्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर टेक्स्ट, कंट्रोल एफ से जो है वो फाइंड फ्रेश, कंट्रोल एफ करोगे तो अब देखो आपको इसमें जो चीज़ें फाइंड करनी है, पेज देखने हैं, हेडिंग्स देखनी है, तो ये ओपन हो जाएगा कंट्रोल एफ से। फिर कंट्रोल जी से क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक पेज पे जाएंगे, कंट्रोल एच से क्या करेंगे, हम रिप्लेसमेंट करते हैं, कंट्रोल आई से हम इटैलिक करते हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई करते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल के से हाइपरलिंक ओपन होती है, कंट्रोल एल से टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करते हैं, कंट्रोल एम से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ के इंडेंट चेंज करते हैं, सही,
और उसके बाद जो है कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं, न्यू वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। कंट्रोल ओ से हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं। कंट्रोल क्यू से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फॉर्मेटिंग को। कंट्रोल आर से हम राइट अलाइन करते हैं। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं। और कंट्रोल टी से हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी से क्या होगा आपके पास, लेफ्ट साइड से आपका इंडेंट जो है वो कम होता जाएगा। अगर पैराग्राफ में लिखती हूँ इधर, इंडेंट जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है लेफ्ट साइड से, एक्सेप्ट वन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के अलावा जितना भी कंटेंट होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से हम क्लोज करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को। और कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं। कंट्रोल वाई से हम रीडू करते हैं। और कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं। 26 हमने शॉर्टकट कीज देखी, ए टू सी सारी, सब समझ आ गई। और मैंने परफॉर्म भी करके दिखाई है ताकि बच्चे ये ना बोलें कि मैम ये हमारे पास काम नहीं कर रही थी। क्लियर? जी बेटा, ये आपको याद करनी होगी। और अगर काम करोगे शॉर्टकट कीज के साथ तो फिर आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। कंट्रोल क्या कहते हैं, शॉर्टकट कीज के साथ काम करोगे ना तो आपका हाथ जो है वो कीबोर्ड पे सेट हो जाएगा। बार बार आपको ये टैब्स वगैरह ओपन नहीं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मैंने जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जैसे कल कोई कह रहा था ना कि मैम मेरे पास वो जीमेल से मैसेज वगैरह डिलीट हो गए, तो मैंने क्या किया है, जो हमारा गूगल क्लासरूम है ना, वहाँ मैंने सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है, ठीक है। अभी कुछ और भी मटेरियल है वो भी मैं अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को रिविज़न में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ देखें, आप स्ट्रीम जाके चेक कर सकते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5, 6 और अपलोड हो चुके हैं, और 7 पे भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब सारे तमाम लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं। एक हम रिवीजन क्लास रखेंगे जब सब एग्री होंगे, जिस दिन सब फ्री होंगे, या नेक्स्ट फ्राइडे ही हम जो है वो रिवीजन क्लास रखेंगे, एक जिसमें बेसिक से एडवांस तक सब मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगी एक दफ़ा। फिर उसके बाद सैटरडे या संडे को मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी, फाइनल टेस्ट लूँगी एमएस वर्ड का। उसके बाद मैं पावर पॉइंट पर जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं स्पीड में जाऊं और आप लोग प्रैक्टिस ना करो या आप लोगों को समझ ना आए, तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसी वजह से मैं हर एक चीज़ बार बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। बाकी शॉर्टकट कीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फाइल बना के। और जो आज एक और चीज़ रह गई थी वो है, एक न्यू फाइल ली हमने, वर्ड काउंट शायद मैंने बताया भी था कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट में अगर वर्ड काउंट करने हो कि आपके डॉक्यूमेंट में वर्ड कितने हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अब वर्ड काउंट पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमें
सब बता देगा, पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, कैरेक्टर विद नो स्पेस, मतलब अगर स्पेस ना दो तो कैरेक्टर कितने होंगे, और अगर स्पेस दे रहे हम तो कैरेक्टर कितने, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। और इसके अलावा जो है न्यू कमेंट्स वगैरह तो देखते थे हमने। तकरीबन सभी कवर हो चुका है। ठीक है, और आप लोगों में से प्रैक्टिस कितने लोगों ने की है जो मैं काम दे रही हूँ उसके अलावा, क्योंकि अब तक मैंने इतने असाइनमेंट्स दिए नहीं, आप लोगों को एक ही असाइनमेंट दिया है। सैटरडे संडे आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, या तो हो सकता है आज रात ही मैं कोई असाइनमेंट अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आप लोग टाइम निकालें, परफॉर्म करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो। बस ये सारी शॉर्टकट कीज थी, ये मैंने सब बता दिया आप लोगों को, अब आप लोग इसको याद करें, प्रैक्टिस में लाएं। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फ्राइडे को हम रिवीजन क्लास रखेंगे, तो उसमें सब जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि मिस ना हो, ठीक है। अब यहाँ कोई सवाल है तो पूछ दो, नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।